हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी ओल्ड हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को एंड तक सभी लोग देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये भगोना रखा है इंडक्शन पर और ये लिया है मैंने दूध। तो ये 1 लीटर दूध लेते हैं हम। तो इसको सभी भगोने में निकाल लेंगे। 2 पैकेट मैंने दूध लिया है तो दोनों पैकेट को मैं गर्म करेंगे। तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा, बच्चे बहुत इसको अच्छे से खाते हैं। तो मैंने ये सारा दूध भगोने में पलट लिया है और इंडक्शन को करते हैं ऑन और इसको हमको गर्म करना है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसको चलाते हुए हमको गर्म करना है, इसमें मलाई पड़ जाएगी ना तो हमारा छेना जो है ना वो अच्छा नहीं बनता है। तो इसको चलाते हुए हम गर्म करेंगे और हमेशा फुल क्रीम वाला दूध लेना चाहिए। तो दूध अच्छा होता है, उससे छेना भी अच्छा बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो इधर देखिए दूध हमारा हो गया है गर्म, तो ये उबाल आने लगा है तो थोड़ा सा और पकाते हैं, लेकिन ये गर्म हो चुका है तो इतना ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। तो इसको अब हम इंडक्शन को कर देते हैं बंद, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखेंगे। 2-3 मिनट तक हमको इसको ठंडा करना है। और इधर मैंने एक बाउल लिया है, कटोरी ली है, तो उसमें थोड़ा सा हम वाइट विनेगर डालेंगे। आप चाहें तो आप लेमन जूस से भी फाड़ सकते हैं दूध को, तो हम ये वाइट विनेगर से ही फाड़ेंगे। तो मैंने देखिए 1/2 कप वाइट विनेगर लिया है, तो ये कटोरी में डालेंगे और उसके बाद जितना मैंने विनेगर लिया है उतना ही हम पानी लेंगे। तो दोनों की मात्रा जो है ना बराबर होनी चाहिए। तो ये ले लिया है मैंने और इतनी देर तक मैंने इसको दूध को थोड़ा सा ठंडा किया, जो इसकी भाप थी वो निकल गई है। तो अब इसको हम जो भी मैंने विनेगर लिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए अब दूध को हम फाड़ेंगे तो छेना अलग हो जाएगा और इसका पानी जो है वो अलग हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म दूध को हम फाड़ते हैं तो उससे क्या होता है, छेना जो हमारा बनता है ना थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, सॉफ्ट नहीं बनता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हम इसमें डालेंगे और इसको हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। तो जितना मैंने विनेगर लिया है उतने में ही दूध हमारा छेना बन जाएगा, छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा हम डाल के इसको चलाते रहेंगे। हमेशा आप छेना बनाएं तो हमेशा याद रखिए कि हमको बहुत एकदम हाई फ्लेम दूध जब गर्म होता तो इसको वो क्या कहते फाड़ना नहीं है। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है हल्का सा, आप 2-3 मिनट तक इसको रख दीजिए ठंडा होने, उसके बाद ही इसको फाड़िए ना, तो छेना इसका बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको फाड़ लेंगे। अब दूध थोड़ा थोड़ा सा हमारा फटने लगा है और इसी तरह से छेना सब जो भी है ना अलग हो जाएगा। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो देखिए दूध हमारा पानी अलग होने लगा और छेना अलग होने लगा है। तो जो विनेगर हमारा बचा हुआ है थोड़ा सा हम उसको भी डाल देंगे, और नहीं भी डालेंगे तो भी ये दूध और पानी सब अलग हो जाएगा। तो जो बचा हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं बचाने से, तो इसको भी, तो जो भी थोड़ा सा भी बचा होगा ना वो भी छेना बन जाएगा। तो देख सकते हो छेना बहुत ही अच्छा बना है और पानी बिल्कुल से अलग हो गया और छेना ये अलग हो गया है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमको दूध को फाड़ना है, तो बिल्कुल पानी इसका अलग हो गया है। तो अब इसको ये मैंने लिया है, देखिए छन्नी ली है और इस पर हम नीचे मैंने थोड़ा सा अपना डोंगा रख लिया है। और उसके बाद लेते हैं हम सूती कपड़ा, जिससे हमको छेना को छानना है, पानी अलग करना है और छेना हमको अलग कर लेना है। तो छेना हमेशा हम लोग मार्केट से लेके खाते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार बना के ज़रूर देखना, घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो ऐसे जब भी आपका दिल करता है तो आप बना सकते हो। तो ये 1 लीटर दूध में इतना छेना हमारा निकला है,
तो आपके सामने आप देख सकते हो, तो ये इससे हम पानी पूरा निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद इसको हम अलग कर लेते हैं। तो जिसका ये पानी जो निकला हुआ है, इससे आप आटा लगा सकते हो, सब्जी बना सकते हो, नहीं तो फिर इसको पौधों में लगा सकते हो। तो पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं इससे, क्योंकि इनमें इसमें विनेगर होता है, तो विनेगर पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम पानी डाल के अच्छे से धो लेते हैं, जितनी भी इसमें खटास है ना, तो सब निकल जाएगी। तो इसको 2 से 3 पानी से हम इसको धो लेते हैं। तो अब देख सकते हो पानी हमने 3 पानी से धो लिया है, लेकिन फिर भी इसका पानी बाल्टी ही निकलेगा। तो इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं, दबा दबा के जितना भी इसमें पानी है सभी ये निकल जाए। और इसको 10 मिनट के लिए हम किसी जगह लटका के इसको टांग देंगे, तो इससे जो भी पानी हमारा एक्स्ट्रा और बचा होगा तो वो भी बाहर निकल आएगा। तो उसके बाद ये 10 मिनट के बाद मैंने देखा, तो देखिए इस तरह से ये बनके पानी सभी इसका निकल गया और ये अच्छे से छेना बनके हो गया है तैयार। तो अब इसको हम देखिए अच्छे से फोड़ लेते हैं और छोटा छोटा सा तोड़ेंगे अच्छे से, तो इसका पानी जितना भी था सभी निकल गया। तो बहुत ही सॉफ्ट छेना हो गया है ये। तो सभी को छोटा छोटा तोड़ने के बाद इसको हम मैश करेंगे अच्छे से। तो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें छेना बनाने में। तो अब ये हथेली की मदद से हम इसको अच्छे से ये मैश करेंगे। तो आप देख सकते हो मैश करने में कुछ नहीं तो 5 से 7 मिनट लगता है। तो मैंने आधा हो गया हमारा। अब इसमें थोड़ा सा हम मैदा लेते हैं, 1 चम्मच मैदा लेंगे। तो हमारी ये बड़ी चम्मच थी तो मैंने आधी ली। आप नॉर्मल चम्मच 1 चम्मच मैदा ले सकते हो, और मैदा अगर नहीं है तो आप अरारोट मिला सकते हो। तो ये अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट एकदम चिकना हो गया है। तो इसी तरह से हमको इसको बनाना है। तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। और जब सॉफ्ट होने का अगर छेना हमारा बनके तैयार होने वाला होता है, तो ये हाथों में और मतलब जो भी बर्तन हम लेते हैं तो उसमें पकड़ता नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना चिकना और अच्छा बनके तैयार हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम रख देते हैं साइड में। और इधर मैंने कढ़ाई ली है, तो इसके लिए मुझे चाशनी बनानी है। तो चाशनी के लिए मैंने ये 1 कप चीनी ली है। तो आप अगर तौल में देखें तो ये 400 ग्राम के लगभग चीनी है। और उसी से हम 4 कप पानी लेंगे। तो 1 कप चीनी ली है और 4 कप पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक हमको बॉयल करना रहता है। तो ये मैंने लगभग 4 कप पानी हो गया है। अब इसको हम चलाते हुए चीनी को गलने तक ये पकाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, नहीं तो चीनी है ना नीचे पकड़ जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसको चलाते हुए चीनी गलने तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो चीनी लगभग ये हमारी गलने लगी है। तो गर्म पानी में चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है। तो उसके बाद ये मैंने ली हैं 4-5 इलायची, जो इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो इसको ऊपर का ये इसका छिलका जो होता है वो मैंने डाल दिया है। तो बीज का मतलब टेस्ट जो इसमें स्वाद आता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मैंने ये जो अपना छेना तैयार करके रखा था, अब उसके हम गोल गोल रसगुल्ले बना लेंगे। तो आप इसको अपने साइज़ का, जो भी साइज़ आपको पसंद हो, बड़ा या छोटा, उस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो मैं ना बड़ा बनाऊँगी ना छोटा बनाऊँगी, मीडियम आकार के रसगुल्ले में बना के तैयार करूँगी। तो ये सारी लोइयाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको हम रसगुल्ले बहुत हल्के हाथों से गोल गोल में चिकने करके बनाना है। कहीं भी ज़रा से भी इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, जिससे हमारा रसगुल्ला फट सकता है। तो बिल्कुल चिकना, देखिए कितना अच्छा चिकना बना हुआ। इसी तरह से हम सभी अपने रसगुल्ले बना के तैयार करेंगे। तो ये दूसरा रसगुल्ला भी हमारा लगभग बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो इसको भी, तो ये भी उसी के जैसे अच्छा बना है। तो इसी तरह से मैंने सभी रसगुल्ले बना लिए हैं। तो ये अगर गिनती करें तो इसमें 12-13 रसगुल्ले हमारे बन के तैयार हो गए। इधर हमारी चाशनी भी अच्छे से बन गई है। तो इसमें एक एक करके रसगुल्ले हम डालेंगे, सारे रसगुल्ले एक साथ नहीं डालेंगे। तो इसका जो भी चाशनी का टेम्परेचर होता है ना, तो ये डाउन हो जाएगा, तो ये रसगुल्ला जो है ना अच्छे से नहीं फूलेगा। तो एक एक करके हम इसको डालेंगे। तो इसको फ्लेम को हम हाई रखेंगे। रसगुल्ला जब भी हम डालते हैं और इसको पकाना शुरू करते हैं तो हमको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ये लो नहीं करना है। तो लो में क्या होता है, रसगुल्ला अच्छा नहीं फूलता है। तो एक एक करके सभी रसगुल्ले हम डाल देते हैं इसमें।
तो रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम लोग बचपन में समझते थे कि ना बहुत मुश्किल है, हाई कैसे बनता है, लेकिन जब कोई काम करने पे आओ तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसान भी होता है। तो ये सभी रसगुल्ले लगभग मैंने डाल दिए हैं।